I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. माँ, मैं तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ। माँ, लगता है आप लोग शिखा को अपनाना नहीं चाहते, इसलिए अच्छा यही है कि मैं उसे लेकर कहीं और रहने चला जाऊं, ताकि आप लोग खुश रह सकें। हमारी खुशी की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? माँ बहन को भूलकर अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ पत्नी हो गई। माँ का स्थान पत्नी तो क्या भगवान भी नहीं ले सकता, लेकिन जब अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उसका हाथ थामा, तब उसे कैसे छोड़ दूं? ये क्या घातक हो रहा है? डैडी, ये मेरी मजबूरी है। तो मनमानी भी तुम्हारी मजबूरी थी। मैंने दुनिया की, समाज की, तुम्हारी माँ की परवाह न करते हुए इसलिए तुम्हारा साथ दिया कि तुम जवानी के जोश में आकर कुछ करना बैठो। लेकिन जब शिखा बेटी की तरह रहना चाहती है, सबकी सेवा करना चाहती है, तो फिर उसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा? वो मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सब कुछ सहना होगा। क्यों सहना होगा? हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो छोड़ दो ये घर, चले जाओ जहाँ जाना है। तुम अपनी पत्नी के साथ खुश और हम अपनी पत्नी के साथ खुश। तो ठीक है डैडी, मैं जा रहा हूँ। अरे रोकता कौन है, जाओ जाओ। अच्छा माँ, मुझसे कोई भूल या गुस्ताखी हुई हो क्षमा करना, मुझे भूल जाना माँ, मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं तुम्हारे बगैर भी सुनता रह सकूं। सोच के रही हो, आशीर्वाद दो और निकाल दो घर से। घर से निकाल दूं इसे क्या तुम्हें? इतने ही तंग हो मेरे बेटे से तो खुद निकल जाओ। तो मर्दों को क्या पता माँ का दिल क्या होता है। बेटा हाँ? तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं माँ, लेकिन माँ शिखा। तू उसकी चिंता न कर, मैं उसे बेटी की तरह रखूंगी। कहाँ है मेरी बेटी? नीचे है। शिखा, शिखा बेटी, शिखा। इस हार को देखकर कोई कह सकता है कि ये हीरे नकली है? नकली है? मैं तो इसे असली समझ रही थी। यही तो सरप्राइज है भाभी। मेरी एक सहेली है, बहुत ही शरारती है, उसने मेरी बर्थडे पर ऐसा ही चौंका देने वाला प्रेजेंट दिया था, और आज उसका बर्थडे है, मैं भी उसे वैसा ही सरप्राइज देने वाली हूँ। कमला, भाभी को भी साथ ले जा, घूम फिर आएगी और तेरी सहेलियों से भी मिलाएगी। ऑफ कोर्स मम्मी, चलो भाभी तैयार हो जाओ। नहीं कमला, पिताजी से पूछे बगैर मैं। तुम सिर्फ उनकी बेटी नहीं, मेरी भी तो बेटी हो, मेरे होते हुए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। ओह मम्मी, यू आर ग्रेट। सुनो जी, तुम्हारा जन्मदिन कब है? मेरा जन्मदिन इसी महीने की 17 तारीख को। अच्छा, इसी महीने में? मगर कभी मनाया नहीं। क्यों? कौन मनाता माँ जी, ना माँ ना बाप। फिक्र न कर, इस बार तेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मैं मनाऊंगी कि सारी कसर निकल जाएगी। हाँ, इस महीने की 17। भाभी, भाभी क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, लगता है भाभी की तबीयत खराब हो गई है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, सास माँ के पास होता है, समझो घर में खुशी आने वाली है। तुम्हारा मतलब है कि बाबा? हाँ, जा ऊपर जा, फिर उल्टी आए तो मुझे इशारा करना। हाँ अच्छा। मम्मी उल्टी। सब ठीक तो है लक्ष्मी? माँ बात क्या है? इतनी मीठी बात मुंह मीठा किए बिना नहीं बताऊंगी। कुछ कहो तो। आज मेरी बहू ने पहली उल्टी की है। माँ, उसने उल्टी की और तुम खुश हो रही हो? अरे बुद्धू, तुझे ब्याह करके भी अकल नहीं आई? इसका मतलब है तू बाप बनेगा, ये दादा और मैं दादी। ठहरो, मैं अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। लेकिन डॉक्टर अमर ने तो कहा था
शायद भगवान को शिखा पर तरस आ गया। उसकी लीला परंपरा है बेटे, वो मेहरबान हो जाए तो उम्मीद के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। जाओ बेटे जाओ। मन, मेरी जिंदगी, मेरे प्यार। अच्छा बोलो मेरी जान। आज मुझे विश्वास हो गया कि ऊपर वाला सचमुच प्यार का सागर है। शिखा, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं कितना खुश हूं। ऐसे मत देखो, मेरी नजर लग जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? धीरे बोलो, कोई सुन रहा है? कौन? वही। अच्छा नाम क्या सोचा है? कुछ नहीं। अगर लड़की हुई तो? भावना। और लड़का हुआ तो? जान, मेरे आकाश का चांद। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आशीर्वाद, कोई चमत्कार उसे मां नहीं बना सकता। तो फिर उस उल्टी का मतलब? इसका मतलब है कि शिखा का अंत और भी नजदीक आ गया है। नहीं, बात महीनों और हफ्तों की नहीं, कुछ दिनों की है। अंकल, भाभी को पूरे आराम की जरूरत है। पूरे आराम की जरूरत? मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। किसी तरह शिखा को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। मैं आपका दर्द समझता हूँ मिस्टर भारद्वाज, बट आई एम सॉरी, इसका कोई इलाज नहीं। साइंस ने इतनी तरक्की की है डॉक्टर साहब, कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। सॉरी मिस्टर भारद्वाज, हम मजबूर हैं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक ही रास्ता भारद्वाज साहब, सिर्फ प्रार्थना। हमारी संस्था हमेशा चैरिटी शो करती है। ये प्रोग्राम कैंसर अस्पताल की सहायता के लिए है और कुछ अरसा पहले शिखा जी की मर्जी से ही तय किया गया था। पहले बात और थी मिस्टर अग्रवाल, अब शिखा डांस नहीं करेगी। वो किसी किसी के पास ट्रेन नहीं ले सकती। भरद्वाज साहब, उनके बिना सब चौपट हो जाएगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप समझते क्यों नहीं? हा? ये दिन उसके नाचने कूदने के नहीं है। अगर आप मुनासिब समझे तो शिखा जी से पूछ लें। पूछने की कोई जरूरत नहीं। I'm sorry, Mr. Agarwal. जैसे आपकी मर्जी। नमस्ते। बेटे, मैंने अग्रवाल को तुम्हारे डांस प्रोग्राम के लिए इनकार कर दिया है, ठीक किया ना? हाँ डैडी, बिल्कुल ठीक किया। शिखा बेटे, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। डैडी, जितना प्यार आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। जान नहीं बेटे, अपने घुंघरू मुझे दे दो। घुंघरू? हाँ, ताकि तुम कभी भूल से उन्हें पहन ना सको। अभी लाई। क्या सोच रहे हो? लक्ष्मी, शिखा को खुश रखा करो। अरे मैं तो सारे मोहल्ले को खुश करने की सोच रही हूँ। घर में जल्दी से मुन्ना आए, मिठाइयां बटें और दादा की जेब खाली हो जाए। लीजिए डैडी। लेकिन डैडी,
जब आप अपनी 60वीं सालगिरह मनाएंगे तो मैं ये घुंघरू पहनकर जी भर के नाचूंगी। प्रॉमिस। देख क्या रहे हो, हाँ कर दो ना। प्रॉमिस। क्या हुआ हुँ? क्या हुआ, कहाँ रहते हो आजकल? ओ, तुम्हारे दिल में हुँ? तुम्हारी आंखों में? सब मर्द एक जैसे होते हैं, पहले पहले लड़की के आगे पीछे घूमते हैं और जहां प्रेमी का पत्नी बन गई सब प्रेम प्रेम भूल जाते हैं। नहीं शिखा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो फिर कहाँ गायब थे? मंदिर गया था। किस लिए? दुआ मांगने। कैसी दुआ? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। क्यों, मुझे क्या हुआ? हुजूर, मेरा एक मोजे से काम नहीं चलेगा, यहां तो दर्जनों मोजे बनाने पड़ेंगे ताकि सारा घर मां दादी मां की आवाजों से गूंजने लगे और सारे बच्चे परेशान होकर कहना शुरू कर दे, दादी मां बस करो, और मुझसे कहे दादाजी दादाजी। सुबह सुबह जोड़ी कहाँ जा रही है? बस टोक दिया ना, जब भी किसी शुभ काम से जाती हूँ हमेशा बदशगुनी कर देते हो। बदशगुनी तुम कर रही हो, घर वाले घर और घर वालियां बाहर, ये कहाँ का इंसाफ है? अब बहू के सामने मेरा मुंह ना खुलवाओ, पास रहूं तो हर वक्त किताबों में घुसे रहते हो, जरा बाहर निकलो तो तड़पने लगते हो। अब ये तो बताती जाओ कि मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हो? क्यों बताऊं, मेरी भी तो बेटी है, चल बेटी। नाम शिखा भारद्वाज, उम्र 18 साल, मेरी नहीं इसकी। शादी कब हुई? 3 महीने पहले। फिर तो पहले साल ही गोद भर जाएगी। चलने फिरने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? जी नहीं, बस दो एक बार उल्टी आई। उल्टी आना, जी मचलाना, दिल घबराना, ऐसी हालत में मामूली बातें हैं, क्यों डॉक्टर? आओ बेटे, मैं तुम्हारा चेकअप कर लूं। अरे क्या हुआ? ऐसे चक्कर तुम्हें पहले भी कभी आए हैं? महीने में एक दो बार आते। कब से? यही कोई साल भर से। क्या महसूस होता है? आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, जिसमें बेजान सा हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई चीज सही गई है। बेटी, तुम्हारी कंप्लीट चेकिंग होनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। हाँ
क्लोज योर आईज प्लीज. For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.